एक बड़ी अच्छी स्टोरी है जो मेरे को ध्यान आई है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है। अपने आप को कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि एक बार क्या हुआ, एक रेस हुई, दुनिया भर के मेंढकों की रेस हुई, सभी मेंढक, दुनिया भर के मेंढक एफिल टावर के नीचे इकट्ठा हो गए। कोई मेंढक ऑस्ट्रेलिया से, कोई अमेरिका से, कोई भारत से, कोई अफगानिस्तान से, कोई रशिया से, कोई चाइना से, सभी मेंढक इकट्ठा हो गए और सभी मेंढकों की रेस लगी कि जो मेंढक एफिल टावर के टॉप पे पहुंच जाएगा वो मेंढकों की दुनिया का राजा बनेगा। ठीक है साहब, रेस शुरू हुई, बट 10% मेंढक वो थे जिन्होंने सिस्टम में कमी निकाली। जैसा हर जगह होते हैं, 10% लोग क्या होते हैं, नकारा होते हैं, जिनको कुछ करना नहीं है, जिन्हें केवल सिस्टम में कमी निकालनी है कि साहब हम तो मेंढक हैं, हमें चढ़ना थोड़ी आता है, अरे रेसिंग करनी है तो चिल्लाने की रेस करो, टटर करने की रेसिंग कर लगाओ, फिर देखो हम कैसे जीतते। 15% और मेंढक उनकी बात सुनकर रुक गए, यानी 25% मेंढक ने चढ़ना रुक गए। अब 25% मेंढक ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये तो मूर्खों की रेस है, अरे अगर रेस करनी है तो तैरने की रेस करो, स्विमिंग की रेस करो, हम तो मेंढक हैं, हम तो तैर सकते हैं, कौन सबसे पहले जो रेस कर सकता है, तैर कर पार हो सकता है, उसको मेंढक बनकर राजा बनाओ। उनकी बात सुनकर 25% मेंढक और नीचे उतर गए। अब 50% मेंढकों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि तो मूर्खों की रेस है, कभी मेंढक चढ़ सकते हैं, अरे किस मूर्ख ने रेस रखी है, चिल्लाने की रेस रखो, तलवारबाजी रखो, मुक्केबाजी रखो, कुश्ती न करो। उनकी बात सुनकर 25% मेंढक और नीचे उतर गए। अब 75% मेंढकों ने कहना शुरू कर दिया तो मूर्खों की रेस है। दोस्तों जब लोगों चढ़ने लग गए, कुछ मेंढकों ने क्या देखा, अरे मेरे पास वाला इतना तेजी से चढ़ रहा है, वो उसको देखने में नीचे गिर गया। किसी ने देखा, अरे मैं तो इतना ऊपर आ गया, वो अपने से नीचे देखने वालों को गिर गया। किसी ने देखा, अरे मैं तो यही हूँ, मेरे दूसरा जो वहां तक चढ़ गया, उसको चढ़ने में गिर गया। किसी ने बाजू वाले को देखा, किसी ने ऊपर वाले को देखा, किसी ने नीचे वाले को देखा, और धीरे धीरे करके सारे मेंढक नीचे गिर गए और एक मेंढक चढ़ता रहा। धीरे धीरे लोग भूल गए कि कोई मेंढक भी है, बट वो छोटा मेंढक धीरे धीरे चढ़ता रहा और एक दिन वो एफिल टावर के टॉप पर पहुंच गया। उसने फ्लैग होस्टिंग कर दी, सारी दुनिया को पता चल गया कि कोई छोटा मेंढक टॉप पर पहुंच गया। अब वो जब मेंढक नीचे आया, सारे दुनिया भर का मीडिया उसके सामने, जी न्यूज, आज तक, बीबीसी, सबसे पहले जी न्यूज वाले सामने आए, बोले सर हाउ यू वॉन द रेस, बट उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद आज तक वाले आए, बोले सर आपने रेस कैसे जीती, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर द रिपब्लिक इंडिया वाले सामने आए, बोले सर देयर वर लैक्स ऑफ फ्रॉग्स बट हाउ यू वन द रेस, अगेन ही डिडंट रिप्लाई। तब एक बुजुर्ग सा मेंढक सामने आया, बोला सर यू नो व्हाई ही वन द रेस, ही वन द रेस बिकॉज ही इज ब्लाइंड एंड ही इज डेफ। वो अंधा है और बहरा है तो उसने ये सुना ही नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, वो अंधा है तो उसने देखा ही नहीं कि मेरे चारों तरफ लोग क्या कर रहे हैं, मेरे आजू वाला, बाजू वाला, ऊपर वाला क्या कर रहा है। ही डिसाइडेड, उसने सोच लिया मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, एंड ही डिसाइडेड, ही डेवलप पैशन, ही डिड हिज वर्क विद द लॉयल्टी एंड कंटिन्यूअस वर्क। उसने ईमानदारी से काम किया और लगातार काम करता चला गया, इसलिए वो सक्सेसफुल हुआ। तो दोस्तों कहने का मतलब ये, जीवन में अंधा बनो, बहरा बनो और अपने आप पर विश्वास करो, सफलता 100% आपकी होगी।